सारे अधिकारियों को पूछिए, उन ढाई सालों में भी जहां प्रॉब्लम आता था अधिकारी मेरे से बात करते थे और अनऑफिशियली मैं ही उनको मदद करता था। वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूछने की एक वजह है, दर्शकों को याद भी दिला दें कि आप नागपुर के एक्स मेयर हैं। डेमोक्रेसी में, गवर्नेंस में, केंद्र राज्य ये तो बहुत व्यवस्थाएं बन गई हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस है वो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि मुंबई दुनिया का वो लैब बन सकता है जिसमें अर्बन गवर्नेंस को रीडिफाइन किया जाए। इसके लिए जरूर आपके मन में कुछ और भी थॉट्स होंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। मूल रूप से मुंबई शहर जो है या मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं ये 20 साल पहले होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उद्धव जी को लोगों ने बहुत अवसर दिए, लेकिन इन अवसरों को वो परिवर्तित नहीं कर पाए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक चीज़ दिखा दीजिए इस मुंबई में, एक चीज़ कि जो आइकॉनिक है और जो उद्धव जी ने की है या उनकी उनके मेयर ने या उनके लोगों ने की है। जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो तो हो रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे, इतनी बड़ी मुंबई में जितना सीवेज वाटर है, अंग्रेजों के जमाने में हुए सेटलिंग टैंक से वो समुद्र में जाता है, इसलिए हमारे समुद्र में जो एक दुर्गंधी आती है, बदबू आती है, उसका कारण वो है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के साथ बैठकर, क्योंकि हमारे देश में जो वाटर डिस्चार्ज है सी में करना है, उसके नॉर्म्स ही नहीं थे। मैंने 3 साल पीछे लग के वो नॉर्म्स तैयार किए, उसके बाद उसके टेंडर्स वगैरह इनको बुलाने लगाए, लेकिन जब तक उद्धव जी थे नहीं हो पाया। जैसे सरकार बदली, हम लोगों को वापिस सरकार मिली, पीछे लग के उसके सारे टेंडर करके प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ से हमने उसका भूमि पूजन किया। अगले 3 सालों में एक बूंद भी गंदा पानी हमारे समुद्र में नहीं जाएगा। जैसे विदेशों में चौपाटिया हम समुद्र किनारे दिखते हैं ना, साफ पानी वाले, बिना बदबू वाले, वैसे मुंबई के किनारे होंगे।